गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम HSSC का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हरियाणा के जिले वे मंडल। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की, तो आज के टाइम में हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। और हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा के अंदर 6 मंडल है, यानी हरियाणा को 6 मंडल के अंदर विभाजित किया हुआ है। हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 में पंजाब से अलग होकर, और इस दिन को हम हरियाणा डे के रूप में मनाते हैं, हरियाणा डे। जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, तब इसके अंदर हरियाणा के अंदर केवल 7 जिले थे। केवल कितने जिले थे? 7 जिले थे। मैं आप लोगों को उन जिलों के नाम बताऊंगा ट्रिक के साथ, कैसे याद करोगे, जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो हम याद करते हैं, घर जेके में। घर कहां पर? जेके में, जम्मू कश्मीर में। ये याद करने का मेथड है। तो घर कहां पर? जेके में। यहां से जी से क्या बन जाएगा? गुरुग्राम। क्या बन जाएगा? जी से क्या बन जाएगा? गुरुग्राम। एच से क्या बन जाएगा? हिसार। एच से क्या बन गया? हिसार। ए से क्या बन जाएगा? अंबाला। ए से क्या बन गया? अंबाला। आर से क्या बन जाएगा? रोहतक। आर से क्या बन गया? रोहतक। जे से क्या बन जाएगा? जींद। और के से क्या बन जाएगा? करनाल। करनाल। और एम से क्या बन जाएगा? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। एम से क्या बन जाएगा? महेंद्रगढ़। तो ये वो 7 जिले हैं जो 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना था, तो हरियाणा के अंदर ये 7 जिले थे। घर जेके में याद कर लेते हैं, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल और एम से महेंद्रगढ़। एम से क्या हो गया? महेंद्रगढ़। क्लियर है यहां पर? तो अब हम देखते हैं कि अब आज के टाइम में 22 जिले हैं, तो वो 22 जिले कैसे कैसे बने, कब कब बने। शुरू में हमारे पास कितने जिले थे? 7 जिले थे। कितने जिले थे स्टार्टिंग में? 7 जिले थे। तो फिर बाद में क्या हुआ, 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत बने। भिवानी और सोनीपत कब बने? 22 जनवरी 1972 को भिवानी और सोनीपत बने। इसके कुछ टाइम के बाद एक महीना और एक दिन, यानी 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र बन गया। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट बना। कुरुक्षेत्र जिला कब बना था? 23 जनवरी 1973 को। लेकिन जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो हमारे पास पुरानी है। 26 अगस्त 1975 को बना था सिरसा जिला। सिरसा किससे अलग होकर बना था? हिसार से अलग होकर बना था। 26 अगस्त 1975 को क्या बना? सिरसा बना। फिर उसके बाद 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद बना। क्या बना? फरीदाबाद बना। 2 अगस्त 1979 को क्या बना? फरीदाबाद बना। और इसको अगर उल्टा कर दो, उल्टे का मतलब क्या है कि 1997 कर दो, 79 की जगह 97 कर दो, तो तब बना था हमारे पास फतेहाबाद। फतेहाबाद। और साथ में कौन सा बना था? झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर का बना था 1997 को बना था फतेहाबाद और झज्जर। 15 जुलाई कब बना था? 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर बना था। तो ये हमारे पास शुरू में 7 जिले थे, घर जेके में। फिर 22 दिसंबर 1972 को बना भिवानी और सोनीपत। फिर 23 जनवरी 1973 को बना कुरुक्षेत्र। 26 अगस्त 1975 को बना सिरसा। फरीदाबाद बना 79 को, अगस्त 79 को, और इसको उल्टा कर दो 97 को फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर का बने हमारे पास
97 के अंदर बने थे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास 1 नवंबर यानी हरियाणा डे 1 नवंबर 1989 क्या गया 1 नवंबर 1989 चार डिस्ट्रिक्ट एक साथ बने KRPY क्या कहते हैं हम कृपा KRPY कृपा यानी हरियाणा पर कृपा हुई। कृपा का मतलब क्या है के से क्या हो गया कैथल के से क्या हो गया कैथल आर से हो गया रेवाड़ी रेवाड़ी पी से क्या हो गया पानीपत पी से पानीपत और वाई से क्या हो गया यमुना नगर तो वाई से क्या हो गया यमुना नगर के से कैथल रेवाड़ी पानीपत और यमुना नगर कब बने थे 1 नवंबर 1989 को बने और हम कहते हैं कि हरियाणा पर क्या होगी कृपा होगी। तो 89 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है एक साथ कितने जिले बन गए चार जिले बन गए। फिर आ गया 15 अगस्त 1995 तो हमारे पास क्या बना पंचकुला कौन सा जिला बना पंचकुला 1995 15 अगस्त को पंचकुला बना। 15 जुलाई ये मैं पहले बता चुका हूं 1997 को दो जिले बने थे फतेहाबाद और झज्जर फतेहाबाद और झज्जर झज्जर को हम कहते हैं शहीदों का शहर झज्जर बना। और हमारे पास 4 अप्रैल 2005 को बना मेवात 2005 को क्या बना मेवात। पहले जब इसकी घोषणा हुई थी तो इसका नाम रखा जाना था सत्यमेव पूरम क्या नाम रखना था सत्यमेव पूरम लेकिन बाद में जब 4 अप्रैल 2005 को ये बना तो इसका नाम क्या रखा गया मेवात इसका नाम बन गया मेवात। इसके बाद हमारे पास कृपा पंचकुला फतेहाबाद झज्जर मेवात। इसके बाद नेक्स्ट जो जिला बना था वो था फरीदाबाद से अलग होकर जो जिला बना था वो था पलवल और पलवल कब बना 15 अगस्त 2008 को पलवल बना। पलवल इसको हम कहते हैं सिटी ऑफ कॉटन कपास का शहर सिटी ऑफ कॉटन। और ये याद रखना जो कॉटन है कपास है वो काली मिट्टी के अंदर जो है वो उगती है कौन सी मिट्टी में काली मिट्टी के अंदर उगती है। 15 अगस्त 2005 के बाद फिर हमारे पास 16 नवंबर 2016 यानी 16/11/16 को बना चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर कौन सा जिला बना चरखी दादरी ये 22वां जिला बना कौन सा जिला बना 22वां जिला बना 16/11/16 को भिवानी से अलग होकर क्या बना चरखी दादरी। और इसका असर क्या हुआ इससे पहले जो भिवानी है वो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल की दृष्टि से लेकिन जब ये चरखी दादरी उसमें से अलग हो गया तो भिवानी सबसे बड़ा जिला नहीं रहा। अब हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्र वाइज क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा जिला सबसे बड़ा है वो है सिरसा जिला सबसे बड़ा है। क्लियर है तो ये हमारे पास क्या है हरियाणा के 22 के 22 जिले हैं 22 में से जो हमारे पास शुरू शुरू में 7 जिले थे घर जेके में फिर 89 के अंदर कृपा हुई थी चार जिले एक साथ बने थे कौन कौन से कैथल रेवाड़ी पानीपत और यमुनानगर। अब यहाँ पर मैं दो चीजें और बताना चाहूंगा जिलों के बारे में हमने जिलों के बारे में पढ़ लिया जींद इकलौता ऐसा जिला है जींद इकलौता ऐसा जिला है जिसके टुकड़े नहीं हुए जिसके आगे टुकड़े नहीं हुए यानी कोई भी जींद में से कोई नया जिला नहीं निकला है और जींद जो है इसको हम बोलते हैं मिल्क सिटी क्या बोलते हैं मिल्क सिटी कॉटन सिटी किसको बोलते हैं पलवल को और मिल्क सिटी किसको बोलते हैं जींद को क्योंकि यहाँ पर दूध की मात्रा ज्यादा होती है। एक बार HSSC ने बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछा है
कि हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो किसी दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ टच नहीं होता, सीमा नहीं मिलाता। कौन सा हरियाणा का ऐसा जिला है जो किसी और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो हमारे पास पहले इसका आंसर अकेला होता था रोहतक। पहले क्या होता था, केवल रोहतक ऐसा जिला था जो किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता था। लेकिन अब रोहतक और दूसरा कौन सा है, चरखी दादरी। चरखी दादरी, अब रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। और जींद इकलौता ऐसा जिला है जिसके आगे टुकड़े नहीं हुए हैं, बाकी सभी जो हैं उनके टुकड़े हो चुके हैं। क्लियर है बच्चों? ये थे हमारे पास हरियाणा के 22 के 22 जिलों के बारे में। अब हम करेंगे हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं, हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं। हरियाणा में कितने मंडल है, 6 मंडल है। कितने मंडल है, 6 मंडल। 6 मंडल कौन कौन से होंगे, एक तो है घर। पहले कितने थे, 4 मंडल थे घर। घर क्या हो गया, गुरुग्राम, गुरुग्राम, एच हिसार, ए अंबाला और आर रोहतक। पहले कितने मंडल थे, 6 मंडल थे। हमारे पास 2 नए मंडल कौन कौन से बन गए, एक बन गया करनाल मंडल, डिवीजन कौन सा बन गया, करनाल डिवीजन, और दूसरा डिवीजन कौन सा बन गया, फरीदाबाद डिवीजन। दूसरा कौन सा बन गया, फरीदाबाद मंडल और जुड़ गया। ये हमारे पास जो बने नए मंडल, ये बने थे 1 फरवरी 2017 कब बने, 1 फरवरी 2017 को। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक तो 4 थे ही थे, करनाल और फरीदाबाद कब बने, 1 फरवरी 2017 को। और इस बार जो हारको बैंक का पेपर आया था उसके अंदर भी मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया वो था कि इस जिले का मंडल कौन सा है। तो हम एक एक कर मंडल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुग्राम मंडल की। देखो जो भी मंडल है उसके अंदर एक गुरुग्राम, वही जिला, सेम जिला तो हो गई होगा। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आ गया, गुरुग्राम। दूसरा कौन सा है, रेवाड़ी। और तीसरा कौन सा है, महेंद्रगढ़। तीसरा कौन सा है, महेंद्रगढ़। गुरुग्राम मंडल में 3 जिले हैं। 3 जिले कौन कौन से हो गए, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि महेंद्र को गुड़ की रेवड़ी का शौक था। महेंद्र को किसका शौक है, गुड़ की रेवड़ी का शौक है। तो हमारे पास क्या आ गया, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। क्लियर है यहां तक? और अगर किसी बच्चे को याद हो तो रेवाड़ी का बना था, कृपा हुई थी 89 के अंदर, उसमें रेवाड़ी बना था। दूसरा है हिसार। हिसार, हिसार के अंदर एक तो हिसार हो गई होगा, हिसार मंडल के अंदर हिसार जिला तो है ही है, हिसार मंडल के अंदर हिसार जिला तो है ही है। और कौन सा होगा, फतेहबाद लगता है उसके साथ, सिरसा हो गया और जींद हो गया, मिल्क सिटी क्या हो गया, जींद। तो हिसार मंडल के अंदर कौन कौन से जिले हो गए, हिसार, फतेहबाद, सिरसा और जींद। क्लियर है? घर, जी एच ए ए आ गया, ए का मतलब क्या हो गया, कौन सा मंडल पढ़ेंगे हम, अंबाला मंडल। कौन सा मंडल आ गया, अंबाला मंडल। अंबाला मंडल के अंदर अंबाला जिला तो हो गई होगा, फिर कौन सा आ गया अंबाला के बाद, पंचकुला। कौन सा आ गया, पंचकुला। तीसरा कौन सा आ जाएगा, यमुना नगर, यमुना नगर। और चौथा कौन सा आ जाएगा, कुरुक्षेत्र। चौथा कौन सा आ गया, कुरुक्षेत्र। तो अंबाला के अंदर कौन कौन से 4 जिले हो गए, अंबाला, पंचकुला, यमुना नगर और कुरुक्षेत्र। तो अंबाला मंडल के अंदर कुल कितने जिले हो गए, 4। फिर आ जाएगा रोहतक, और से क्या आ जाएगा, रोहतक मंडल, रोहतक मंडल।
रोहतक मंडल की अगर हम बात करते हैं, रोहतक मंडल में एक तो खुद ही रोहतक हो गया, इसके अंदर दूसरा आ गया भिवानी। अब देखो रोहतक है, फिर क्या आ गया भिवानी। और अगर किसी बच्चे को याद हो भिवानी किससे बना था, भिवानी और कौन सा जिला साथ में इकट्ठे बने थे, भिवानी और सोनीपत इकट्ठे बने थे, तो सोनीपत भी इसके साथ ही हो गया। और भिवानी से निकलकर क्या बना है, चरखी दादरी, तो चरखी दादरी भी इसके अंदर ही हो गया। और पांचवा इसके अंदर क्या आ गया, झज्जर। कौन सा आ गया, झज्जर। तो रोहतक मंडल के अंदर पांच जिले हैं, कौन कौन से, रोहतक, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर। देखो रोहतक मंडल की बात करते हैं तो रोहतक के अंदर क्या आ गया, भिवानी, भिवानी और सोनीपत इकट्ठे बने थे, भिवानी से क्या बना, चरखी दादरी, तो याद क्या करना है, मेन हमने झज्जर। इसके अंदर कितने आ गए, पांच जिले आ गए, यानी रोहतक मंडल के अंदर सबसे ज्यादा जिले हैं, रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले कौन से मंडल में, अगर क्वेश्चन पूछेंगे रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले, तो रोहतक मंडल में कितने सबसे ज्यादा जिले हो गए, पांच, कितने हो गए, पांच। हिसार और अंबाला में चार चार है, और बाकी सभी में कितने कितने जिले हैं, तीन तीन जिले हैं सभी मंडलों के अंदर। क्लियर हो गया। अब हमने घर तो पढ़ लिया, घर के में क्या था, जी एच ए आर। इसके बाद हमारे पास जो नया मंडल बना था करनाल, करनाल, करनाल मंडल बना, और करनाल जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की विधानसभा सीट भी है। तो करनाल मंडल, करनाल मंडल जो है ये कब बना था, 1 फरवरी 2017 को बना था। इसके अंदर कौन कौन से जिले होंगे, करनाल तो है ही है, फिर क्या आ जाएगा, कैथल, करनाल, कैथल और पानीपत, करनाल, कैथल और पानीपत, के पी, क्या आ जाएगा, करनाल, कैथल और पानीपत। और हमारे पास जो करनाल है इसको हम क्या कहते हैं, धान का कटोरा, क्या कहते हैं, धान का कटोरा। धान क्या होता है, चावल, तो बाउल ऑफ राइस, यानी धान का कटोरा किसको कहते हैं, करनाल को। और करनाल सुंदर होने के कारण करनाल को हम क्या कहते हैं, हरियाणा का पेरिस, हरियाणा का पेरिस भी किसको कहा जाता है, करनाल को बोला जाता है। तो करनाल को धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। तो करनाल मंडल जो कि 1 फरवरी 2017 को बना था, करनाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विधानसभा क्षेत्र है, तो नया मंडल बना दिया गया 1 फरवरी 2017 को, केकेपी, करनाल, कैथल और पानीपत। कुरुक्षेत्र जो था वो हमारे पास अंबाला मंडल में है, और यहाँ पर केकेपी, करनाल, कैथल और पानीपत। फिर लास्ट है जो 1 फरवरी 2017 को एक और नया मंडल बना था, वो क्या है, फरीदाबाद, क्या आ गया, फरीदाबाद। फरीदाबाद जो है इसके अंदर कौन कौन से, फरीदाबाद मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे, एक तो फरीदाबाद जिला खुद ही आ गया, फरीदाबाद मंडल में फरीदाबाद जिला आ गया। इसके अलावा और कौन सा आ जाएगा, फरीदाबाद से अलग होकर क्या बना था, पलवल, क्या बना था, पलवल। और एक है नू, कौन सा आ गया, नू, नू जिसको पहले क्या बोलते थे, मेवात बोलते थे, जो कि हमारे पास 4 अप्रैल 2005 को बना था। ये कब बना था, 4 अप्रैल 2005 को। तो नू पलवल, पलवल कब बना था, 15 अगस्त 2008 को। और फरीदाबाद, तो फरीदाबाद, पलवल और नू, तो ये किसमें आ जाएंगे, हमारे फरीदाबाद मंडल के अंदर आ जाएंगे। और फरीदाबाद कब बना था, बताया था फरीदाबाद बना था 1979 में, कब बना था, 1979 में। फरीदाबाद को हम औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर बहुत सारे उद्योग हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर था हरियाणा के जिले वे मंडल, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। तो हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को बना था तो 7 जिले थे, कौन कौन से 7 जिले थे, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, घर जेके में,
और फिर उसके बाद हमारे पास बाकी जिले बने। आखिरी जिला बना चरखी दादरी और रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमाएं किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को नहीं लगती हैं। और हरियाणा में 6 मंडल हैं, एक तो घर ही हो गया गुरुग्राम हिसार अंबाला रोहतक, और 1 फरवरी 2017 को दो नए बने करनाल और फरीदाबाद। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? रोहतक, जिसके अंदर 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? रोहतक, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी और झज्जर। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे पास ये हमारा आज का लेक्चर था, हरियाणा के जिले वे मंडल। तो सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।